नए नए डिलीवरी बॉय लोग जो गलती करते हैं ना, वो क्या करते हैं कि पार्सल सबको ना इकट्ठा भर देते हैं। ऐसे लकड़ी ढोना है छोटा बच्चा, लकड़ी लेके जाना है इसी जंगल से। कुछ है क्या? खाया नहीं था, पिया था, प्यास। और ये है नया लड़का, अभी तक काम ख़त्म हो नहीं पाया है। कितना बचा है, कितना बचा है भाई? आ गया था नाश्ता करने के लिए, मिरिंडा ले लिया हम, और मेरा चाट जो है वो बन रहा है, तैयार हो रहा है। भाई एक एक पार्सल जो है ना अच्छे तरीके से छाट छाट के रख रहा हूँ, जो बाद में बटेगा उसको बैग में भर ले रहा हूँ, ठीक है। तो भाई एक गलती जो है ना हमेशा डिलीवरी बॉय जो है करते हैं, ठीक है, उस गलती को आप लोग को दोहराना नहीं है, क्योंकि उसी के वजह से जो है ना पार्सल जो है डिलीवरी होने में लेट लगता है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिलहाल दोस्तों मैं जा रहा हूँ ऑफिस, और बहुत सारे डिलीवरी बॉय भाई लोग का कमेंट रहता है कि कैसे पार्सल डिलीवरी करोगे, सुबह से निकलते हैं और रात हो जाता है। तो मैं आज उसी चीज़ को बताऊंगा जैसे मैं डिलीवरी करता हूं। जैसे सुबह 6 बजे उठ के जाता हूं ऑफिस, 7 बजे तक पार्सल बांटना स्टार्ट कर देता हूं, और 11, 12, 1 बजे तक मैं घर आ जाता हूं कैसे काम ख़त्म करके। तो सारा चीज़ आप लोग को बताऊंगा। डिलीवरी बॉय भाई लोग जो जो अभी तक ज्वाइन किए हैं शुरू शुरू में अभी सेल में, तो उन भाई लोग के लिए थोड़ा सा मदद मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऑफिस चलते हैं। नहीं भाई, ऑफिस चलने से पहले ट्रेन भी आ चुकी है, ठीक है। ओ भाई क्या ही बताऊं, ओ भाई सुबह सुबह मस्त ट्रेन भी दिख गया मेरे को, काफ़ी बड़ा है। मतलब अभी ये जो ट्रेन जो है ना रायपुर बिलासपुर होते हुए एक और भी दूर दूर जाते हैं, ठीक है। चलिए ट्रेन तो चली गई अपने मंजिल पे, यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं अपने अपने सफ़र पे, मैं भी निकलता हूँ अपने सफ़र पे पार्सल बांटने के लिए, ठीक है। देखता हूँ आज कितना सारा पार्सल मिलता है और आज दिन भर में कितना अर्न कर पाता हूँ, ठीक है। और भाई आप लोग जो डिलीवरी बॉय भाई लोग जो भी देख रहे हैं तो कंटिन्यू पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि मैं किस तरह से पार्सल डिलीवरी करता हूँ जो मेरा इतना जल्दी ख़त्म हो जाता है। चलिए चलते हैं। ये दोस्तों ऑफिस आ गया था और अपना पार्सल जो है ना छाट लिया हूँ, दिखा देता हूँ कितना सारा पार्सल है। ये रहा पार्सल मेरा पूरा इतना सारा। अब इसको असाइन करूँगा, अपने आईडी में चढ़ाऊँगा फटाफट से। कौन सा? स्टार और महिंद्रा। अजब नगर, अजब नगर, अजब नगर। वो अजब नगर का है। चलो मारो जल्दी जल्दी, गन का महामारी लग चुका है। मैं तेरा वाला लेने के लिए मैं बैठा हूँ। सौ प्लस बांट देगा, कैसे हो जाएगा? 100, 50, 60, 80। कहाँ का है? हाउसिंग बोर्ड। चलो भाई चढ़ा देते हैं अपने आईडी में। भाई एक एक पार्सल जो है ना अच्छे तरीके से छाट छाट के रख रहा हूँ, जो बाद में बटेगा उसको बैग में भर ले रहा हूँ, ठीक है। तो अपना बाइक तैयार कर चुका हूँ, जो शुरू शुरू में बटेगा ना उसको मैं झोली में भर लिया हूँ, ठीक है, और जो बाद में बटेगा उसको मैं बैग में भर लिया हूँ। ये पार्सल भी जल्दी जल्दी बटेगा, दोनों झोली का पहले ख़त्म करूँगा, क्योंकि पास पास का जो पार्सल है झोली में भर लिया हूँ, उसी को जल्दी जल्दी से बांटूँगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अभी फटाक से, भाई लोग कोई भी निकला नहीं अभी तक। वो भाई ओवरटेक कर रहे हैं, चलिए चलते हैं। दोस्तों फर्स्ट स्टॉप पर आ गया था पार्सल लेके, OTP वाला है 2000 का, ठीक है। घंटी बजता है कि नहीं पता नहीं, एक बार इसी में करंट मारा था मेरे को बरसात टाइम। चलो भाई इस एरिया का जितना पार्सल था पूरा ख़त्म हो चुका है, और अपना बाइक का जो बैग जो है ना वो गिर गया भाई, मतलब भारी इतना ज़्यादा वजन हो चुका है कि गिर ही गया है। तो भाई बैग आज इतना ज़्यादा भारी हो चुका है ना कि फिर से गिर गया था, ठीक है। फिर लटपट मतलब इसको अच्छे से तरीके से टाइट करके बांध दिया हूँ,
हिल रहा लेकिन पता नहीं गिरेगा कि नहीं। चलिए चलते हैं, पहले झोली का पार्सल ख़त्म करूँगा, उसके बाद मतलब बैग का पार्सल छूँगा तब जाके हल्का होगा। थोड़ा सा दिक्कत आने वाला है भाई क्या ही बताऊँ। तो भाई एक गलती जो है ना हमेशा डिलीवरी बॉय जो है करते हैं, ठीक है, उस गलती को आप लोग को दोहराना नहीं है, क्योंकि उसी के वजह से जो है ना पार्सल जो है डिलीवरी होने में लेट लगता है। ठीक है, मैं आगे बता रहा हूँ क्या गलती करते हैं, जो गलती आप लोग को नहीं करना है, उसी गलती के कारण ही पार्सल जो है डिलीवरी होने में लेट लगता है। फिलहाल यहाँ पर पार्सल था। ₹200 बोलिएगा। तो भाई काफ़ी दिनों बाद मतलब कि इस कॉलोनी का पार्सल लेकर आया था, दो पार्सल है अभी, प्रीपेड पार्सल। अंकल जी घर पे हैं कि नहीं पता नहीं। हाँ पार्सल था। पार्सल अमेज़न से पार्सल है, पता नहीं क्या है इसके अंदर। दो पार्सल हैं। तो भाई मेरा जो है ना दो झोली का पार्सल लगभग ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अगर आप लोग भी पार्सल अगर जल्दी जल्दी बांटना चाहते हैं ना, बस एक ही ट्रिक अपनाइएगा, मतलब कि नए नए डिलीवरी बॉय लोग जो गलती करते हैं ना, वो क्या करते हैं कि पार्सल सबको ना इकट्ठा भर देते हैं और जमा के नहीं रखते हैं। कोई भी कस्टमर कॉल करता है, फटाक से निकालते हैं बैग से, तो पूरा पार्सल को निकालना पड़ता है, उसके बाद निकाल के छाट के उसके बाद देना पड़ता है, जिससे कि टाइम का बहुत ज़्यादा खपत होता है। ठीक है, तो मैं जैसा करता हूँ, जैसे जितना पार्सल शुरू में बांटना है झोली में भर लेता हूँ। ठीक है, तो देख ही सकते हैं मेरा दोनों झोली जो है लगभग ख़त्म हो चुका है। जो बैग का पार्सल है उसको निकालूंगा, फिर से झोली में भर लूँगा। ठीक है, ऐसा क्या होता है कि जल्दी जल्दी पार्सल बढ़ जाता है, समय का उपयोग अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं आगे, दो तीन पार्सल ही बस मात्र बचा हुआ है झोली में। ठीक है, और जो कस्टमर लोग जो कॉल करते हैं ना कि भैया अभी आ जाइए पार्सल लेने, मैं घर से निकल जा रहा हूँ या फिर अब शाम को मिलूँगा, तो ऐसे कस्टमर लोग ना झूठ बोलते हैं। ठीक है, वो कहीं नहीं निकलते हैं और आपका ही समय नष्ट होता है। एक एरिया का पार्सल जितना लेके जाएंगे शुरू में, उसको पूरा क्लियर करने के बाद ही दूसरा एरिया बांटने के लिए निकलिएगा, तभी अच्छा होगा, क्योंकि आपका उसमें समय का बचत होगा। नहीं तो क्या होता कि इसी एरिया में आ गया हूँ पार्सल बांटने, और एक कस्टमर दूसरे एरिया का कस्टमर कॉल करके बुला लिया, फिर वहाँ चले गए, फिर इधर आए, फिर इधर गए, तो इससे क्या होता है समय बहुत ज़्यादा खपत होता है। ठीक है, चलिए चाबी ऑन है, इस घर का फिलहाल पार्सल दिया हूँ और मेरे इस एरिया का पूरा पार्सल ख़त्म हो चुका है। तो भाई यहाँ के एक पार्सल लेकर आया था, लेकिन घर पे कोई है ही नहीं है। ठीक है, और ना कॉल रिसीव कर रहे हैं, ये वाला पार्सल अब क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, इसको भर देता हूँ अंदर, और बैग में जो पार्सल था ना, ये वाला बैग में काफ़ी सारा पार्सल जो है कन्वर्ट कर लिया हूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल मेरे पास ज़्यादा पार्सल नहीं है, मात्र 30 पार्सल बचा हुआ होगा। ठीक है, उसको जल्दी से ख़त्म कर दूँगा। ठीक, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हालांकि इस कॉलोनी के 3-4 पार्सल और हैं, फटाफट ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं ये वाला झोली का पार्सल ख़त्म करने के लिए। ठीक है, दूसरे एरिया में, मतलब दो तीन एरिया का पार्सल जो है ना पूरा क्लियर करके ही मतलब निकल रहा हूँ, इसलिए जल्दी मतलब कि मेरे को फिर वापस दोबारा मतलब कि उस एरिया में जाना ही नहीं पड़ेगा। हालांकि ये वाला पार्सल नहीं लिए, मतलब कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा, तो इसको अपडेट करके जा रहा हूँ, अटेम्प्ट मार के जा रहा हूँ, ताकि मेरे को दोबारा आना ना पड़े। ठीक है, कॉल उठा लिया तो फिर आ जाऊँगा, नहीं उठाया तो हो गया, फिर सीधा वापस चला जाऊँगा। चलिए, फिलहाल इस घर का एक पार्सल लेकर आया था ₹980 का। ओ भाई कबूतर लोग मस्त उड़े जा रहे हैं, वहाँ पर झंडा भी लहरा रहा है, तिरंगा। भाई आ गया था नाश्ता करने के लिए, मिरिंडा ले लिया हूँ, और मेरा चाट जो है वो बन रहा है, तैयार हो रहा है। तो भाई लग चुका है मेरा चाट। तो भाई पूरा काम ख़त्म करके आ गया था ऑफिस। ठीक है,
भाई अपना काम पूरा ख़त्म करके आ गया था ऑफिस, ठीक है। और ये है नया लड़का, अभी तक काम ख़त्म हो नहीं पाया है। कितना बचा है, कितना बचा है? हाँ, तीन बचा है अभी तक। चलो भाई, मेरा तो पूरा ख़त्म हो गया है काम धाम, पूरा पैसा वगैरह जमा कर चुका हूँ, निकलता हूँ अभी घर। वो भाई भी काम ख़त्म कर नहीं पाया अभी तक, क्योंकि नए लोगों को पता नहीं है ना कैसे डिलीवर करना है। जो भी कस्टमर बुला लेते हैं तो इधर का उधर का, इधर का उधर का, इसी कारण से लोग समय नष्ट हो जाता है पूरा। चलो भाई चलते हैं घर, धूप भी निकल चुका है। दो दो स्वेटर लेके चला गया था, मेरे को पता नहीं था कुछ है क्या, खाया नहीं था, पिया था, प्यास लगा था जम के। चलो चलो चलो, चलो भाई घर आ गया था पूरा काम धाम ख़त्म करके। ऐसे लकड़ी ढोना है छोटा बच्चा, लकड़ी लेके जाना है इसे जंगल से। तो ये आराम से, आराम से गाइस, आपको एक चीज दिखाऊं, दिखा दो। तो भाई इवनिंग हो चुका है और ये रहा अपना घर। तैयार हो रहा है अभी। अरे छोटा बच्चा, फ्री फायर इंडिया क्या खेल रहे हैं? फ्री फायर इंडिया, फ्री फायर इंडिया लॉन्च हो रहा है। लाइट नहीं है, बैटरी डाउन मत करना, लाइट नहीं है। तो भाई छोटा बच्चा तो खेल रहा है फ्री फायर। और आज टोटल पार्सल जो था ना मेरे पास 60 पार्सल था, ठीक है। उसमें से टोटल जो डिलीवर जो है ना 57 पार्सल जो है आज मैं डिलीवर किया हूँ, ठीक है। तो भाई शुरू से जो वीडियो देख रहे हैं कंटिन्यू, मतलब कि अभी तक, ठीक है, अभी तक जिनको समझ में नहीं आया है उन लोग को मैं 2 मिनट टाइम लेना चाहूँगा। शायद मैं समझा नहीं पाया या बता नहीं पाया, हो सकता है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग ऑफिस जाएंगे ना, तो उसके बाद जितना पार्सल आपको मिलता है उसको पहले से असाइन कर लीजिएगा। उसके बाद बैग में उन पार्सल लोग को भरिएगा जो बाद में मतलब डिलीवर होगा, ठीक है। उसको अच्छे से नीचे रख दीजिएगा। अगर आप लोग झोला यूज करते हैं, जैसे मैं बैग यूज करता हूँ, झोला यूज करता हूँ दो ठों सामने, और उसको मतलब हमेशा क्या होता है कि आप लोग 2-3 एरिया जाते हैं पार्सल बांटने के लिए, ठीक है। ऐसा होता है कि इधर का भी जाना है, उधर का भी जाना है, चारों तरफ जाना रहता है। तो एक काम करिएगा, जो शुरू शुरू में बटेगा, जो एक एरिया का पार्सल रहेगा एक साइड रखिएगा, पहले उन पार्सल लोग को कुछ भी करके पहले उसी को क्लियर करना है, ताकि उस एरिया में दोबारा जाना ना पड़े। क्योंकि ऐसा होता है कि एक एरिया का पार्सल बांटने से पहले इधर का पार्सल बांट रहे हैं और उस एरिया का कस्टमर बोल रहे हैं कि आ जाओ, मैं अभी निकलने वाला हूँ, घर आ जाओ पार्सल लेकर। तो क्या होता है कि वहाँ का पार्सल एक तो दिन का, फिर से आप दूसरे एरिया चले जाते हैं, उससे आपका टाइम का खपत होता है, फिर से वापस जाना पड़ता है उस एरिया में फिर बांटने के लिए पार्सल, ठीक है। उसमें टाइम मैनेजमेंट एकदम बिगड़ जाता है। तो आप लोग एक काम करिएगा, एक एरिया का जो पार्सल है, मैं आप लोग को एक अच्छा सुझाव देना चाहूँगा कि आप लोग कस्टमर के हिसाब से मत चलिएगा, अपने हिसाब से चलिएगा। क्योंकि कस्टमर का बस एकमात्र पार्सल उनको चाहिए रहता है, और आपको कम से कम 50, 60, 70, 80, 90 पार्सल आपको हैंडल करना पड़ता है। इसलिए क्या करना कि आपको बस एकमात्र एक एरिया का पूरा क्लियर करके, जो कस्टमर ले नहीं रहा है उसको अटेम लगा दीजिए, या फिर बाद में लेगा तो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन एक एरिया का पूरा क्लियर करके फिर तभी जाइए दूसरे एरिया पार्सल बांटने। उससे क्या होगा कि दोबारा आपको उस एरिया जाना नहीं पड़ेगा, आपका उतना समय बचत होगा, ठीक है। मैं ऐसा ही करता हूँ, जिससे मेरा पार्सल जो है जल्दी बढ़ जाता है, दोबारा मेरे को जाना नहीं पड़ता। जैसे सुबह 7 बजे से मतलब पार्सल डिलीवरी करना स्टार्ट कर देता हूँ, 9, 10, 11, 12 अधिक हाईएस्ट 1 बजे तक मेरा पूरा काम कंप्लीट करके घर आ जाता हूँ। तो उस तरह से कहेगा। और मेन चीज़ क्या है, एक्सपीरियंस। भाई मेरा तो 4 से 5 साल हो चुका है डिलीवरी वाला जॉब करते हुए। आप लोग अभी भी शायद ज्वाइन किए होंगे तो आप लोग को टाइम लगता होगा, क्योंकि टाइम लगता है किस लिए, कस्टमर को कॉल करना। और अधिकतर मैं 90% मैं कस्टमर को कॉल करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को पूरा घर पता है, हर किसी का घर पता है, हर कस्टमर का घर पता है। तो मैं घर चला जाता हूँ डायरेक्ट पार्सल देने के लिए। इससे क्या होता है, मेरा टाइम का बचत होता है। तो आप लोग भी थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिएगा, नाम एड्रेस सब कुछ याद रखिएगा, क्योंकि सेम कस्टमर ही लगभग पार्सल जो है ऑर्डर करते हैं अधिकतर, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि भूल जाते हैं। और दोस्तों आप लोग को एक दिक्कतें आती हैं, हाय
ओ भाई ये तो डर के भाग जा रहा है, भाग जा रही है मतलब डॉगी। ठीक है, एक दिक्कत क्या होता है ना कि कस्टम लोग आप लोग को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि भैया अभी आ जाइए, नहीं तो मैं आज निकल जाऊंगा, फिर कल आऊंगा या फिर मैं पार्सल ले नहीं पाऊंगा। ऐसे झांसा में मत पड़िएगा, क्योंकि कस्टमर को पार्सल देना है सुबह से लेकर शाम तक, कभी ना कभी आप घर अगर पता है तो घर चले जाइएगा। उससे क्या होता है, कस्टमर तो पार्सल ले लेते हैं लेकिन झूठ बोलते हैं, अधिकतर कस्टमर झूठ बोलते हैं। मैं ऐसा बहुत बार फेस किया हूँ, इसलिए अब मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं अपने हिसाब से चलता हूँ, अपने हिसाब से ही पार्सल डिलीवर करता हूँ, जिससे मेरा समय का बचत भी होता है। भाई हाथ दर्द हो जा रहे हैं, ठीक है, और बस आप लोग ऐसे ही करिएगा, व्यवस्थित रूप से अगर पार्सल डिलीवर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जल्दी पार्सल बढ़ जाएगा। बस इतना ही कहना था आप लोग, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, बहुत सारे कस्टमर लोग जो है कॉल रिसीव नहीं करते हैं, ये प्रॉब्लम फेस हर डिलीवरी बॉय को करना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे लोग नंबर ब्लॉक कर देते हैं या फिर कॉल रिसीव करते ही नहीं हैं, इसका प्रॉब्लम कोई नहीं समझा सकता। आप लोग घर याद रखिएगा, जैसे कि पार्सल देने जाते हैं लैंडमार्क जो दिया रहता है, फिर कस्टमर जो आते हैं कि वहीं पर खड़े रहिएगा, मैं आ रहा हूँ लेने के लिए पार्सल, तो एक काम करिएगा कि जब कस्टमर आ जाते हैं ना लैंडमार्क में लेने के लिए पार्सल, तो फिर उसको बोलिएगा भैया थोड़ा घर तक चले जाइए, साथ में चलता हूँ, घर दिखा दीजिए, क्योंकि अगले बार जब आऊँगा पार्सल डिलीवर करने के लिए आपके घर में, तो मैं सीधा घर आ जाऊँगा, मैं आपको कॉल नहीं करूँगा। तो क्या होगा, उससे आपको कॉल करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट घर जाइए, घंटी बजाइए और पार्सल दे दीजिए, उससे टाइम की बचत बहुत ही ज़्यादा। मेन चीज़ क्या है, टाइम की बचत, क्योंकि ऐसे बहुत कोई पार्सल डिलीवर करते हैं, देखता हूँ सुबह से पार्सल डिलीवर करते करते रात हो जाता है 7-8-9, घर आते आते ई कार्ड वाले भैया लोग तो बहुत ही ज़्यादा लेट कर देते हैं, लगभग 10 बज जाता है। हालांकि उन लोग के पास पार्सल भी जाता रहता है, लेकिन मेन चीज़ क्या है, बढ़ता नहीं है पार्सल, कस्टमर लोग झेलाते हैं बहुत अधिकतर है, ठीक है भाई। 4-5 मिनट से लगातार बोले जा रहा हूँ, शायद आप लोग को समझ में आया होगा। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो का एंडिंग यहीं पर कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अगर कुछ भी कॉल करके ही पूछना है तो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल, देखता हूँ कल क्या होता है, आज का वीडियो एंडिंग यहीं पे करता हूँ, ठीक है।